परेशान हो रहे हैं। अब वो लोग हैं जो घर से महिलाओं को उनके घर के दरवाजे से लेकर मेट्रो के गेट पर छोड़ते हैं सुरक्षित। हम छोटी छोटी बच्चियों को घर के गेट से लेकर उनको स्कूल के गेट तक सुरक्षित छोड़ते हैं। सोचते हैं देखो 2 रुपए कमाए, हम तो 10 रुपए की सोचते हैं। 10 रुपए बूंद बूंद से इकट्ठा करते हैं, 1500 रुपए जो हुआ उससे मजदूरी से हम घर में जाए राशन से लेके जाए। देश की राजधानी दिल्ली में इस चालक रिक्शा वालों को लेकर बड़ा कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर के आज दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर ये तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अवैध ई रिक्शा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनको बंद किया जा रहा है, इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ई रिक्शा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की समस्याएं हो रही है? गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं इस वजह से, इतनी परेशानी हो रही है, मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जहाँ चाबी निकाले डंडे मार के भगा दे रहे हैं और डंडे मार के भगा रहे हैं और ऊपर से मार भी रहे, गाली भी दे रहे हैं, जिसे 5 मिनट बना रहे कहते हैं ये सब। पुलिस वाले भी लगातार परेशान कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जिस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि हम लोग अवैध है, हम लोग गैर कानूनी है, हम लोग है कौन, सबसे पहले तो सरकार को हमारे बारे में ये समझना होगा। हम वो लोग हैं जो घर से महिलाओं को उनके घर के दरवाजे से लेकर मेट्रो के गेट पर छोड़ते हैं सुरक्षित। हम छोटी छोटी बच्चियों को घर के गेट से लेकर उनको स्कूल के गेट तक सुरक्षित छोड़ते हैं। अगर आप देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं तो किसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुरक्षित महसूस करती है तो वो ई रिक्शा में महसूस करती है। लेकिन सरकार हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार कर रही है, हम इतनी जिम्मेवारी से अपना काम निभाते हैं, रात को 10 बजे भी रात को 11 बजे भी महिलाओं को उनके घर तक बिल्कुल सुरक्षित हम पहुँचाने का काम करते हैं। पुलिस वालों कैसी जो बर्ताव बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है, इस समय गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, पकड़ कर उनको